चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। तो इसको सॉल्व करना है ऐसे वाले में, सिंपल है ये। 5 2 जा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10 - 3 अपॉन में ये डिनोमिनेटर 5, तो 10 - 3 इज इक्वल टू हो जाता है 7/5। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसको करना है 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और प्लस 7/8, 32 और 7 हो जाते हैं 39/8। इसको मिक्स्ड में भी लिखा जा सकता है ऐसे करके, अगर 5 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 mixed 2/5 या 1 whole 2/5 ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी तरह से इसको भी मिक्स्ड में राइट कर सकते हैं, 8 4 जा 32, 4 mixed बाकी इधर एंड 7 हो जाएंगे, 7/8। ठीक है, सिंपली डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से, जो भी रिमाइंडर होता है वो यहाँ आ जाता है और जो भी क्वेश्चन आता है वो यहाँ आ जाता है, बाकी डिनोमिनेटर जहाँ है वहीं रहता है। इन वाले में डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो इनमें आपको इनको लाइक बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 × 7/7 प्लस, इसी तरह से इसको इस वाले डिनोमिनेटर से इधर वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 × 5/5। ठीक है, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, 3 7 जा 21 / 5 7 जा 35 प्लस 5 2 जा 10 / 7 5 जा 35। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले ऐसे ही ऐड कर लेते हैं और नीचे का कोई सा भी एक डिनोमिनेटर ऐड कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 21 और 10 कितने हो जाते हैं 31 / 35 ये वाला आंसर हो गया। इस तरह से करना है, इसे सेम एज हेयर यहाँ पे भी आपको वही रूल अपनाना है, पहले इनको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएं, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इस वाले डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/11 को आप 15/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4/15 ऐड करेंगे, इसको आप इस वाले डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, तो ये 15 9 जा 135 होता है, 15 बन जा 15 15 बन जा 15 बन 16 135 माइनस 135/165 इसी तरह से डिनोमिनेटर 11 4 जा 44 और 15 से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, 5 - 4 = 1 13 - 4 = 9 91/165 ये आंसर हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए 3 है, तीनों को हम जो है डिनोमिनेटर सेम करेंगे यानी इनको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो एक तरीका और होता है, अब जैसे इसमें 3 है तो ये ऐसा अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, तो इनको हम एलसीएम ले लें या ऐसे ही देख लें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, अगर इसको हम 5 से कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 10 सभी के हो जाएंगे, है ना। तो हम इसको 2 से इसको 5 से कर लेंगे, तब इनको डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, 7/10 प्लस 2/5 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा ये, है ना, ये लाइक बन गया। फिर प्लस इसको 3/2 × अगर हम इसको 5 से कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 5/5 से कर लेंगे। करना दोनों के लिए है, न्यूमिनेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी, दोनों के लिए मल्टीप्लाई करना। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, 7/10 प्लस 2 2 जा 4/5 2 जा 10 प्लस 3 5 जा 15/2 5 जा 10। ओके, अब ये जो है इनके सब डिनोमिनेटर एक राइट कर लें कोई सा और सब ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 7 + 4 + 15 7 और 4 11 हो जाता है, 11 और 15 हो जाता है 26/10, तो ये आ गया 26/10। ठीक है, 26/10 आंसर हो गया। इसको मिक्स्ड में अगर ऐड करना है तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, 10 से 26 के लिए डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 यहाँ 6 आया, तो ये आ गया 2 whole 6/10। ठीक है, 6/10 को और छोटा कर सकते हैं, 2 mixed ये 2 2 3 या 6 2 5 या 10 3/5 2 mixed 3/5, तो आप कोई सा भी आंसर लिखाएंगे आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, फिलहाल फाइनल आंसर ये हुआ, इसको रिड्यूस करके सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में ऐड कर लिया। इसी तरह से देखिए अब ये करना है, तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और इसको ऐड कर लेंगे, 3 2 6 और 2 कितना हो जाता है 8/3, ये 8/3 हो जाएगा प्लस इसको ऐसे करेंगे 3 2 6 प्लस 1 ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह का हो गया है जैसे कि ये क्वेश्चन था। अब इनके हम डिनोमिनेटर चेंज सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे इनको, इस बार ये इस डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/3 को आप 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 7/2 को आप कितने से कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 8 2 16/3 2 6 प्लस 7 3 21/2 3 6। अब 16 और 21 को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 37/6। ठीक है, अब 37 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तेन कितना आएगा 6 6 36 बन रिमाइंडर आया। ठीक है, तो 6 तो होल हो गया, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 6 होल, और ये रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ पर ऐड करेंगे 1/6, जो डिनोमिनेटर है वो वही रहता है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन इसका 7th नंबर पे इसमें दिया है 8 mixed 1/2 माइनस 3 mixed 5/8। तो इसको भी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे उसकी तरह, 2 8 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 24 और 5 कितना हो जाता है 29/8। ठीक है, अब इनको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 8 हो जाएगा, 4 2 2 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कर लेते हैं, तो इस 17/2 को हम कितने से कर लेंगे 4 से। ये कहीं ऐसा हम करते हैं कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़े बस डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, किसी भी नंबर से जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ये लाइक फ्रैक्शन हो जाए, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस अभी ऐड कर लेंगे 29/8, तो ये हुआ 17 4 68 2 4 8 माइनस 29/8। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे 68 माइनस 29, तो 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, 6 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 39/8। इसको और छोटा ऐड कर देंगे, 8 से आप डिवाइड कर लें 39 के लिए, 8 4 जा 32, यहाँ 7 आया, तो ये तो होल हो गया, 4 होल 7/8, ये लास्ट आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 9, 2 और 21, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे ले लेते हैं, और 9, 2 और 21 यही है ना, 9 3 21 है, सॉरी यहाँ पे 3 है और 2/3 है, 2/3, 3 कैंसिल आउट करेंगे इनको 3 से, 3 3 या 9 3 बन जा 3 3 7 जा 21, फिर से 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बन जा 3, ये तो 1 है ही, ये 7 कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 से करेंगे 1 1 7 बन जा 7। जब तक सब हर जगह 1 1 ना आ जाए तब तक आप जो है ऐसे ही मल्टीप्लाई ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए ये इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 या 9 9 7 जा होते हैं 63, तो इनका एलसीएम आ गया 63। अब सभी का डिनोमिनेटर जो है हमें 63 बनाना है, देखिए सबसे पहले है 2/9 है ना, तो हम अपॉन में ऐड कर लेंगे 63। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 9 से 63 को डिवाइड करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे उसको एलसीएम के लिए डिवाइड करना है, उससे एलसीएम के लिए डिवाइड करना है, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे 9 से हम किसके डिवाइड करेंगे 63 के, तो ये कितना आएगा 9 9 7 जा 63, 7 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 7 ऐड कर लेंगे, 2 × 7 कॉमा, अब यहाँ पे भी 63 ऐड करना है, इस 63 को कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 21 आया। ठीक है, तो 2 × 21 कॉमा, यहाँ पे 21 है इसकी जगह पे भी 63 ऐड कर लेंगे, अब इसको हम 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 8 × 3 21 से जब हम डिवाइड करेंगे 63 के लिए, तो 21 3 जा 63 होता है। ठीक है, 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, मल्टीप्लाई करके एक बार और ऐड कर लेंगे, 2 7 जा 14 / 63
21 2 42 अपॉन 63, 8 3 24 अपॉन 63। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा पहले राइट करेंगे और उसके बाद में उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो ये नंबर है, यहाँ पे राइट कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम ये नंबर ऐड करेंगे, कौन सा नंबर है? 2/3। तो 2/3 जो है वो सबसे बड़ा है। ओके, इसके बाद इन दोनों में देखेंगे ये वाला बड़ा, ये कौन सा है? 8/21। लास्ट में बचा ये वाला 2/9, 8/21। ठीक है, तो ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सेम एज हेयर आपको यहाँ भी करना है एलसीएम ऑफ 5, 7, 10, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, राइट कर लेंगे 5, 7, 10। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5, 7 नहीं, 7 डिवाइड ही नहीं होगा इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही राइट कर लेंगे 5 2 जा 10। 7 से कर लेंगे 1, 7 बन जा 7, 2 डिवाइड नहीं होगा ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 से कर लेंगे 1 1, 2 बन जा 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 70। अब जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपॉन में 70 और 1 इंटू, कैसे पता लगेगा? 5 से डिवाइड कीजिए 70 के लिए, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 14 आया, कॉमा 3 इंटू अपॉन में कितना ऐड कर लेंगे? 70। कितने से डिवाइड करेंगे 70 के लिए? 7 से, तो 7 10 जा होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अगर 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 और 0 यहाँ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा। अब ये कितना है? 7/10 है, तो 7/70 ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10 से आप 70 को डिवाइड करेंगे, 10 से 70 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 7 जा 70, 7 आया, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब देखिए इसको चेंज कर लेंगे, 14 बन जा 14/70, कॉमा 30/70, कॉमा 49/70। अब देखिए सबसे बड़ा ये है, फिर ये सबसे छोटा ये है, अब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर ऐड कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा? सबसे पहले 49/70 यानी कि 7/10, कॉमा फिर ये आएगा 30/70 यानी 3/7, और ये 14/70 मीन्स 1/5। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, कॉमा की जगह पे ये वाले साइन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है? क्या सभी कॉलम का ऐसे और ऐसे ऐसे और डायगोनल्स का सम जो है इक्वल है? अगर सम इक्वल है तो ये मैजिक स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है, तो हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम इनका सम करेंगे, इनका सम हमने किया तो 4/11 + 9/11 + 2/11, सब लाइक फ्रैक्शन है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, 4 9 13 13 और 2 15 15/11 आया। इसका सम करेंगे इसी तरह से, 3 5 8 8 7 15/11, इसका सम करेंगे इसी तरह से, 8 1 9 9 6 15/11। ठीक है, अब डायगोनल का कीजिए, 4 और 9 4 और 5 9 9 6 15, ये भी 15/11 हो जाएगा। अब कौन सा ये बचा है? 2 7 9 9 6 15/11, इसका भी सम कितना हो गया? 15/11। इसी तरह से इसका कर लेंगे, इसका सम कितना आएगा? 9 5 14 14 1 15/11, ये भी 15/11 आया। इसी तरह से इसका करेंगे, 4 3 7 7 8 15/11। ठीक है, अब एक डायगोनल बचा है ये वाला, इसका भी कर लीजिए, इसका कर लीजिए, तो 2 और 5 7 8 15/11, ये भी 15/11 आया। यस, तो क्या है? दिस इज मैजिक स्क्वायर, आंसर आएगा यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। बस यही आप करना था। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर सीट अ पेपर इज 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है, रेक्टेंगुलर सीट इस तरह की होती है, ऐसी सीट है ये, ठीक है, ये लॉन्ग, ये इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ जो है इसकी 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये यहाँ से यहाँ तक की
और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का ये है टैन होल वन अपॉन टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री इसका हमें पैरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो पैरीमीटर फाइंड करने के लिए हम इसका पहले जो लेंथ और ब्रेथ है उसको ऐड कर लेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरीमीटर इसका ये होता है, यहाँ से चले यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। ठीक है, तो दो बार लेंथ आ जाती है, दो बार ब्रेथ आ जाती है, तो क्या करेंगे लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, जो गिवन में हमें लेंथ ऑफ शीट फिजिकल टू 12 मिक्स्ड 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ शीट फिजिकल टू 10 मिक्स्ड 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ शीट। इसको हम 2 इंटू एल प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, 2 इंटू लेंथ है इसकी 12 मिक्स्ड 1 अपॉन 2 प्लस 10 मिक्स्ड 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 क्या है इसका ब्रेथ। अब इसको ऐड करने के लिए पहले इसको जो मिक्स्ड में है इसको होल में ऐड करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐड करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू या 24, 24 और 1 कितना हो जाता है 25 अपॉन 2 प्लस 10 3 या 30 और प्लस 2 32 अपॉन 3। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 32 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3 ऐड करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 3 है ना, फिजिकल टू 2 इंटू 25, 3 या 75 होता है अपॉन 6 प्लस 32, 2 या 64 होता है 64 अपॉन 6। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, आराम से ऐड कर लेंगे 2 इंटू 75 और 64 को ऐड कर लेंगे 9, 7 और 6 हो जाता है 13, 139 अपॉन 6, 2 बन जाए 2, 2 3 या 6। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 139 को कितने से डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 4 या 12 और 3 6 या 18, तो इसका जो पैरीमीटर आया वो कितना आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा है ना, 46 मिक्स्ड यानी 46 होल 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये इसका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, सेकंड पे है द रेक्टेंगल बीसीडीई इन दिस फिगर हुज पैरीमीटर इज ग्रेटर। ये फिगर है देखिए, इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पैरीमीटर फाइंड करना है और इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड करना है, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम जो है इसका निकाल लें पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का निकालेंगे तो एबी प्लस बी, बीई और एई तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एबी प्लस बीई प्लस एई इन तीनों को ऐड कर लिया। ठीक है, एबी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2 प्लस बी ई की है 2 मिक्स्ड 3 अपॉन 4 प्लस इसकी है ए ई की 3 मिक्स्ड 3 अपॉन 5। ठीक है, इसका पैरीमीटर निकाल लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब पहले जो है ये तो ऐसा ही रखेंगे, इनको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे, प्लस 4 टू या 8, 8 3 जाता है 11 अपॉन 4 प्लस 5 3 या 15, 15 और 3 हो जाता है 18, 18 अपॉन 5। अब 2 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे है ना, एलसीएम ऑफ 2 4 5 फिजिकल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2 4 और 5 का एलसीएम, 2 से 2 बन जाए 2, 2 2 जाए 4, 5 नहीं कटेगा, 1 ऐसे आ जाएगा 2 बन जाए 2 5, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 बन जा 5, 1 1 आ गया, एलसीएम हो गया 2 2 जा 4, 5 जा 20, एलसीएम कितना हो गया 20। ठीक है, अब ये एलसीएम हो गया, अब इसको आप जो है जैसे अभी बताया था मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए वैसे ही कर लेना है, इसको राइट कर लेंगे 5 अपॉन 20, यहाँ पे एलसीएम राइट करेंगे। अब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे 20 के लिए तो 2 बन जाए 2 और 0 यहाँ जाएगा 10 आ गया इंटू 10 प्लस इसको राइट करेंगे 11 अपॉन 20। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 से 20 के लिए डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा होता है, 4 5 जा 20 होता है, 5 जा आया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस
18 अपॉन 5 ऐड कर लेंगे, ठीक है, ओ सॉरी 20 ऐड कर लेंगे यहाँ पे भी। अब क्या करना है, 5 से 20 के लिए डिवाइड करेंगे, 5 से 20 के लिए डिवाइड करेंगे तो 4 जा आ जाएगा, 5 4 जा कितना होता है 20, 4 जा आया, 4 जा से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टेन जा 50 हो गया, 5 टेन जा 50 अपॉन 20 प्लस 55 अपॉन 20 प्लस 18 4 जा 72 अपॉन 20, इनको जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 50 105 और 177 अपॉन 20, इतने सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ट्रायंगल का, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, बी सी डी ई, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, इसकी L ये वाली होगी और ये वाली, ठीक है, तो ये और ये एक ही है, L का मतलब लेंथ, टू लेंथ कितना है 2 × 3/4, 2 × 3/4 प्लस ये है 7/6, ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लेंगे, 4 × 2 = 8, 8 और 3 कितना हो जाता है 11/4 प्लस 7/6, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 और 6 इज इक्वल टू कितना आएगा देख लेंगे, 4, 6 का 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 3 नहीं कैंसिल आउट होगा, 3 से कर देंगे 3 × 3 1 × 1 3 × 3 3 × 2 = 6, 2 = 12, इनका एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे 11/12, 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम के लिए 4 × 3 = 12 होता है, यानी 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7/12 ऐड कर लेंगे, 7/12 जब ऐड किया हमने तब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए 12 के लिए, 6 × 2 = 12 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 2 × 11 = 33/12 प्लस 7 × 2 = 14/12, तो ये कितना आ गया 33 और 14 कितना होता है, ऐसे ऐड कर लो ब्रैकेट में, 2 × 3 = 47, 47/12, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 × 6 = 12, तो ये आया 47/12, ठीक है, इसको और छोटा भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ इसको भी 20 से डिवाइड करने के बाद 20 × 8 = 160, 8 × 17/20 आ गया ये सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा इसी तरह से 12 × 3 = 36, 11/12, 3 × 11/12 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा गया है कौन सा बड़ा है भाई, 177 में ग्रेटर निकालना है, ये 177/20 है, ये है 3 × 47/12, ये है 47/12, इसमें ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, इसको ग्रेटर निकालने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे फिर से, तो हम इनका इनका एलसीएम ले लेंगे, 20 का और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 × 10 = 26, 2 × 5 = 3, 5 × 3 नहीं कैंसिल आउट होगा, 3 से कर दीजिए 3 × 3, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 32 = 60, एलसीएम आएगा 60, ठीक है, 177/60 ऐड कर लेंगे, 20 से जब डिवाइड किया आपने 60 के लिए तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, कॉमा 47/60 ऐड कर लेंगे और 12 से डिवाइड किया तो 5 जा होगा, 12 × 5 = 60 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 = 20, 3 × 7 = 20, 23 × 3 = 3 and 2 × 5, 5 × 31/60, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20 और 3 × 23 = 235/60, कौन सा ग्रेटर है भैया, तो दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है, ये ज़्यादा है, ये किसका है, ये है इसका ट्रायंगल का, ठीक है, तो दूसरा आंसर इसका आएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई,
ओके, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो एक आंसर इसका ये हुआ, एक ये हुआ, थर्ड वन देश, तीन आंसर होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सलिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7x3/5 cm वाइड, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7x3/10 cm वाइड, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। क्वेश्चन बोल रहा है कि सलिल एक पिक्चर को एक फ्रेम में पुट करना चाहता है, ठीक है, तो जो पिक्चर की जो लेंथ है वो 7x3/5 cm है और जो फ्रेम है वो उससे कुछ छोटा है, तो भाई फ्रेम को छोटा होगा तो पिक्चर चारों तरफ से ट्रिम करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा एक फ्रेम है, ऐसी एक पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर और जो फ्रेम है इससे छोटा, तब इसमें जब पुट करो करेगा वो तो चारों तरफ से ट्रिम करनी पड़ेगी, तो यही हमें फाइंड करना है कि कितनी पिक्चर ट्रिम करनी पड़ेगी। तो जो फ्रेम का साइज है वो पिक्चर का साइज जो है बड़ा है, पिक्चर के साइज में से फ्रेम का साइज सबट्रैक्ट कर देंगे, बस जितनी भी ट्रिम करनी पड़ेगी वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे साइज ऐड कर लेंगे, साइज ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर इज इक्वल टू 7x3/5 cm और साइज ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू 7x3/10 cm। तो ये वाला छोटा है, फ्रेम का साइज छोटा है, तो पिक्चर नीड टू ट्रिम, नीड इट टू ट्रिम इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, पिक्चर में से, पिक्चर के साइज में से इसका फ्रेम का साइज सबट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर हो जाए, पता लग जाएगा कि कितनी ट्रिम करनी है, ठीक है। तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइए, 5 7 जा 35 और 3 38/5 हो जाएगा, -10 7 जा 70 और 3 73 हो गया ये अपॉन 10। इस वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, इधर 10 ऑलरेडी है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 2 जा कितना होता है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 12 136 अपॉन 10 -73/10, जैसे अभी तक हम लोग करते चले आ रहे थे उसी तरह से किया गया है, बस राइड नहीं किया, यहाँ 2 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 6 3 3 13 7 6 अपॉन 10। तो इतनी पिक्चर जो है वो उसे ट्रिम करनी पड़ेगी, इसको हम ऐसे भी राइड कर सकते हैं, 10 6 होते हैं 6 3/10 cm। ओके, इतनी ट्रिम करने की ज़रूरत है, सही है ना, रॉन्ग तो नहीं हो गई, 5 7 जा 35 38 10 7 जा 70/3, ठीक है, 10 2 8 जा 16 2 3 जा 12, रॉन्ग तो ही गया, 2 8 जा 16 2 3 जा 6 होता है, 6 1 7 76 आएगा, ये रॉन्ग हो गया भैया, 76 में 73 सेप्टर करेंगे, 3/10 cm, इतनी जो है नीड टू बी ट्रिम, सॉरी फॉर मिस्टेक है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन है, बुक में देखें आप लोग अपनी, या फिर जो है स्क्रीन पे ही दिख जाएगा आपको, देखें, रितु एट 3.5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोनू, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट, हु हैड द लार्जर शेयर बाई हाउ मच। देखिए रितु ने जो एक एप्पल है उसका 3/5 पार्ट खा लिया, ठीक है, बाकी का पार्ट जो है वो उसके ब्रदर सोनू ने खाया, तो बताइए किसने ज़्यादा खाया, किसके पास ज़्यादा शेयर था रहा, ठीक है, बाई हाउ मच। तो दोनों चीज़ें निकालनी है, देखिए रितुज पार्ट ऐसे ऐड कर लेंगे, रितुज पार्ट इज इक्वल टू है 3/5। अब पूरा एप्पल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 1 का 3/5 रितु ने खा लिया, बाकी का जो बचा हुआ है वो उसके ब्रदर ने खाया, उसके ब्रदर का नाम क्या है, सोनू, तो सोनूज पार्ट निकालिए यहाँ पे, सोनूज शेयर ऐड कर लो उस पार्ट की बजाय, सोनूज शेयर इज इक्वल टू 1 - 3/5, क्योंकि 3/1 एप्पल था उसमें 3/5 खा लिया, बाकी का बचा हुआ सोनू को मेरा, ऐसा ही तो है, तो 3 5 बन जा 5 5 - 3/5
5 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 2 अपॉन 5। इनको 2 अपॉन 5 मिला, इनको 3 अपॉन 5 मिला, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो पता लग जाएगा ये ज़्यादा है, इनको इनको ज़्यादा मिला, ठीक है। यानी कि 3 अपॉन 5 इज ग्रेटर दैन 2 अपॉन 5, तो हुज पार्ट इज लार्ज, हुज शेयर इज लार्जर, हु हैड द लार्जर शेयर, तो रितुज शेयर इज लार्जर, रितुज शेयर इज लार्जर, ठीक है। इनका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो सेपरेट करके पता लगेगा, इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, 3 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5, 3 माइनस 2, ये डिनोमिनेटर सेम है, ऐसी डायरेक्ट सेपरेट हो जाएगा 1 अपॉन 5, तो इनको 1 अपॉन 5 पार्ट जो है शेयर जो है वो ज़्यादा मिला, ठीक है। ये आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ, दोनों आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7 अपॉन 12 आवर, बाबा फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर 3 अपॉन 4 आवर, हु वर्कड लॉन्गर, वाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। कह रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि माइकल एक वर्क को पिक्चर को कलर करने में 7 अपॉन 12 आवर लेता है, और उसी सेम पिक्चर को कलर करने में वैभव जो है 3 अपॉन 4 आवर लेता है, तो बताइए कौन ज़्यादा टाइम लेता है और कितना ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो इनको हम देख लेंगे 7 अपॉन 12 और 3 अपॉन 4 में ज़्यादा कौन सा है, तो ये पता लगाने के लिए पहले हम इनको कंपेयर कर लेंगे, है ना, और इस तरह से ऐड कर लेंगे, टाइम टेकन बाई माइकल टू फिनिश वर्क 7 अपॉन 12 आवर, और टाइम टेकन बाई वैभव टू फिनिश वर्क 3 अपॉन 4 आवर। तो इनका 7 अपॉन 12 आवर है और इनका है 3 अपॉन 4 आवर, इनका कंपेयर कर लीजिए, इनका डिनोमिनेटर सेम करें, ठीक है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा, तो हम 7 अपॉन 12 कॉमा 3 अपॉन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 अपॉन 3 से, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 12 कॉमा 3 या 9 अपॉन 12। तो देखिए ये इसने ज़्यादा टाइम लिया है ना, ये ग्रेटर है, यानी कि 7 अपॉन 12 इज स्मॉलर दैन 3 अपॉन 4, ठीक है। जब ये ज़्यादा है तो किसने ज़्यादा टाइम लिया, वैभव, यहाँ पर ऐड कर देंगे, दैट्स वाई वैभव टेकन मोर टाइम, कितना ज़्यादा लिया, तो ये निकालने के लिए हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वैभव के टाइम में से माइकल का टाइम सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 3 अपॉन 4 में से हम कितना सबट्रैक्ट कर देंगे, 7 अपॉन 12, 3 अपॉन 4 का क्या बन गया था 9 अपॉन 12, इसको हम 9 अपॉन 12 ऐड कर सकते हैं, माइनस 7 अपॉन 12, 9 माइनस 7 हो जाता है 2 अपॉन 12, ठीक है, 2 बन जाए 2, 2 6 जाए 12, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 1 अपॉन 6 आवर्स जो है उसने ज़्यादा टाइम लिया, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सरसाइज फिनिश हुई, इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।